पण तुमच्यावर हात उचलला तर तुम्ही कारवाई करणार. मग याच्या पुढे लोकांनी काय करावं की अधिकाऱ्यांवर हात उचलले पाहिजे मग तुम्ही कारवाई करणार आहात का? तुम्हाला कागदाची भाषा कळत नाहीत का? मग लोकांनी आज गुंड बनलं पाहिजे का? ह्या सगळ्याला प्रवृत्त करत असेल तर ते अजित मुटे सारखे अधिकारी करतात. त्यामुळे अजित मुटे बद्दल मला अजिबात सहानुभूती नाही. सगळे तोडायला पाहिजे होतं ना, कंपन्यांना हिंमत नाही तोडायची. नाही तिथे भेटतात ना, झोपलेले का महानगरपालिकाला? तो रोड खराब झालाय, हा रोड त्यांचा आहे, ब्रिजच्या खालचा. पण जेसीबी लावा ना, ते झोपले तिथे, तिथे पैसे भेटत नाही ना, तिथे पैसे नाही भेटत, तिथे तोडता. बोलायचं आहे की नाही सांगा, काढून तोडले ते लोकांनी. फोन घेऊनच उभे राहिले ते, असं मला वाचायला थांबता येत नाही का त्यांना? एवढा मोठा फोन इम्पॉर्टंट झाले का? पैसे खाले तेव्हा फोनचा नाही विचार केला? त्यांच्या मध्ये 90% आणले गेले. हिंमत आहे का नगरपालिकेची? गरीबांना कंपनी आंदोलन करायचं त्यांच्या इथे. यांच्या कालच्या तुमच्या गाडीने धक्का मारला त्या माणसाला, मग साहेबांवरती हात उचलला गेला तुमच्या मुलं. तुम्ही दाखवा ना, मग बोलाल तुम्ही. काय बोलत नाही तुम्ही, काय करता तुम्ही ते सांगा. तुम्ही पावसात पडत आहे का? नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह. इस वक्त हम वसई के कामन विभाग में उपस्थित हैं. वसई विरार महानगर पालिका के तोड़क दस्ते द्वारा कल से यहां पर अवैध गालों पर तोड़क कार्रवाई की जा रही है. नतीजन आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि गाले यहां जो अवैध रूप से हुआ करते थे उनका सफाया हो चुका है. कार्रवाई अभी जारी है, लेकिन महानगर पालिका की ये तोड़क कार्रवाई आखिर क्यों हो रही है, इसे जानने के लिए पूरी खबर को देखिए. यह है कामन का शिलोत्तर परिसर जो चिंचोटी फाटा से भिवंडी की ओर जाने की राह में पड़ता है. यहाँ महानगर पालिका की बड़ी तगड़ी कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई वहां चल रही है जहां कुछ झोला छाप बिल्डर और महानगर पालिका के अधिकारियों ने मिलकर कुछ सालों पहले इन भोले भाले लोगों को चूना लगाया था. साथ ही हरियाली को नष्ट करके अनधिकृत बांध कामों का बाजार लगाया था. देखिए तस्वीरें, इन सभी गालों पर घर पट्टी लगी हुई है जिसकी गवाही ये दीवारें चीख चीख कर दे रही है. यानी इस इलीगल बस्ती से लीगल टैक्स भी लिया जा रहा है. बावजूद इसके इन मासूमों पर हमेशा तोड़क कार्रवाई की तलवार लटकती रहती है, क्योंकि इनका कसूर है कि ये भोले भाले हैं, जिसके चलते ये लोग उच्च शिक्षित अधिकारियों की तानाशाह तोड़क कार्रवाई का शिकार हो जाते हैं. ना कोई नोटिस, ना किसी तरह की कोई सूचना, बस जब मन हुआ चल दिए तोड़क कार्रवाई के लिए. हालांकि इस कार्रवाई का विरोध करते कुछ स्थानीय लोग दिख रहे हैं. अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाले से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मनाले साहब सिर्फ चुनिंदा लोगों से ही बात करते हैं. यहाँ पर आकर अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं. तोड़क कार्रवाई हो रही है, अनधिकृत बांध काम, इस पर आप आक्रोशित किस बात? ये लोग गरीब लोग का तोड़ रहे, बड़े लोग का बचा रहे. जो सामने कैमरा मारो उसको, सामने दिख रहा है वो पूरा बिल्डिंग इलीगल है. वो तोड़ नहीं रहे लोग, खाली गरीब का 10x10 का झोपड़ा तोड़ रहे. जो ऑटो ड्राइवर है, सब्जी बेचता है, कार चलाता है, उनका तोड़ रहे खाली. ये बड़े लोग का तोड़ नहीं रहे क्योंकि उनसे हफ्ता लेते हैं. बीएमसी पूरी करप्ट है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक आदमी बिका हुआ है इनका. जिसका हफ्ता जाता है उसका नहीं तोड़ते, जिनका नहीं जाता उनका तोड़ते. आज ये गरीब आदमी का तोड़ रहे, बड़े लोग का क्यों नहीं तोड़ रहे? ये जो रोड के पास तोड़ा इन्होंने, ब्रिज के पास, वो ब्रिज इनके अंडर में आता है नीचे वाला, वहाँ पर कितना गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, कितने आदमी मरे, वो लोग रोड नहीं बना रहे, खाली झोपड़ी तोड़ रहे. क्यों? पैसा नहीं मिलता, हफ्ता नहीं मिलेगा उसका तोड़ेंगे, हफ्ता मिलेगा उनका नहीं तोड़ते. अगर तोड़ना है तो हर आदमी का तोड़े, गरीब आदमी का तोड़ के क्या फायदा है? क्या कहेंगे आप इस मसले? मैं तो यही बोलता हूँ, जब भी मैं आरटीआई का काम करता हूँ इधर कोकन में. जब हियरिंग हुआ, मेरा नाम किशोर ठाकरे है. मैं जब हियरिंग चालू था तभी इन लोग ने मानने के कि बसे में 80-90% अनलीगल काम है. अगर अनलीगल है तो पूरा तोड़ो, नहीं तो तोड़ो ही मत ना. ये पॉलिटिकल इशू हो रहा है तो ये गरीब के ऊपर अन्याय हो रहा है.
तोड़ना है तो सबका तोड़ो। आपका अनधिकृत बांध काम की हम लोग को कार्रवाई है उसके खिलाफ है आप ये हम लोग को उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है उनको ये नहीं कर रहे हम लोग अनधिकृत को, लेकिन करना है तो सबको करो, एक ही को ऐसा गरीब को कार्रवाई करेंगे और अमीर को छोड़ देंगे, इससे हमारी शंका आती है कि उसमें कुछ तो गड़बड़ है। बरसात में मत करो, करना है बरसात में मत करो, बरसात जाने के बाद आप करो, नियम भी नहीं उसका जहर है उसके, बरसात में मत करो, बरसात में गरीब आदमी कहाँ जाएगा कहाँ रहेगा। क्या आपने इस मसले पर अधिकारियों से बात की? कर सुबह बात करने को तैयार नहीं, उन लोगों को मुर्गन रहेगा, वो घमंड है, और बड़े ऑफिसर है, ए क्लास के ऑफिसर है, वो लोग किसी बात करने को उनको टाइम नहीं है। अगर ये कर रहे हैं लोग तो ये टैक्स क्यों वसूल कर रहे हैं घरपट्टी से, इतने साल से लोग टैक्स भर रहे हैं घरपट्टी, तो लेने का नहीं ना फिर अनलीगल है तो काय के लिए ले रहे हो? अभी ये जो बोल रहे साहब लोग ये अनलीगल, अगर भले ही अनलीगल है लेकिन नोटिस बिना नोटिस दे के तोड़ सकते क्या? इनको अधिकार है क्या? ये मेरे को खाली पूछना है अधिकारी लोगों से। देखो ये जीआर है 2021 का, क्या कहता है ये जीआर? साफ साफ लिखा कि बारिश में किसी का तोड़ कार्रवाई कर, अधिकृत रहेगा तो भी तोड़ कार्रवाई नहीं होगा इस पर, तो जीआर का कुछ मायने नहीं रखते क्या अधिकारी लोग? इस दिन 2021 को जीआर नंबर निकला था, प्रकरण नंबर 208 नवी नंबर 20 आयुक्त महानगर पालिका को दिया है। दरअसल हुआ यूं कि वसई विरार महानगर पालिका के उपायुक्त अजीत मूठे जो बांध काम विभाग के प्रमुख हैं, 31 तारीख को वो चिंचोटी के कामन परिसर में अपने तोड़क दस्ते को लेकर पहुंचे थे। तभी अरविंद श्रीवास्तव और सदानंद भूरे नामक भू माफिया से अजीत मूठे की कहासुनी हुई। कहासुनी धीरे धीरे हाथापाई में तब्दील हो गई। फिर क्या था, देखते ही देखते इस घटना का वीडियो वायरल हो गया और अजीत मूठे के इज्जत की धज्जियां उड़ गई। हालांकि नायगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और कार्यवाही जारी है, लेकिन अजीत मूठे पर हाथ उठाकर गलती तो की ही थी, फिर क्या था, साहब का ईगो हर्ट हो गया और जिसके बाद अगले दिन कड़े इंतजाम के साथ आनन फानन में कामन के शिलोत्तर में कार्यवाही शुरू हो गई। सुनिए बीजेपी के युवा नेता अशोक शेलके ने इस मसले पर क्या प्रतिक्रिया दी है। अजित मुठेवर कारवाई हाथ जो सोडला त्याचा जाहीर निषेध आहे, पण एक गोष्ट आपण फार लक्षात घेतली पाहिजे की अजित मुठेवर का हात मोडला, कारण त्या अनधिकृत बांधकामाचे अजित मुठेंकडून पैसे वसूल केले जातात आणि ती पुन्हा तोडली जातात। आज कित्येक लोक रोज शेकडो पत्र ही अजित मुठेना आयुक्तांना अतिरिक्त आयुक्तांना पत्र व्यवहार करते, पण कोणी त्याच्यावर कारवाई करते काय? तर ते नाही करत आहे। पण आज काय केलं महापालिकेने, आज महापालिकेने एका उपायुक्तावर जेव्हा हात उचलला गेला माफियांकडून, त्यावेळी ती 100 जणांची फोर्स घेऊन आज वालिवला ते बांधकाम तोडतात। ह्या जर दर नॉर्मली लोक पत्रव्यवहार करत असतील आणि त्याच्यावर कारवाईच होत नाही, पण तुमच्यावर हात उचलला तर तुम्ही कारवाई करणार, मग ह्याच्या पुढे लोकांनी काय करावं? की लो अधिकाऱ्यांवर हात उचलले पाहिजे मग तुम्ही कारवाई करणार आहात का? तुम्हाला कागदाची भाषा कळत नाहीत का? मग लोकांनी आज गुंड बनलं पाहिजे का? ह्या सगळ्याला प्रवृत्त करत असेल तर ते अजित मुठे सारखे अधिकारी करतात, त्यामुळे अजित मुठेबद्दल मला अजिबात सहानुभूती नाही, पण अजित मुठे सारख्या अधिकाऱ्याचे एक्झाम्पल ह्या शहरात बनवतायत ना, ते फार चुकीचं आहे, त्यामुळे आयुक्तांनी ह्यावर चांगला विचार केला पाहिजे। त्यांनी आता ह्या सगळ्यावर ज्या पत्रव्यवहार आहेत त्यांच्यावर करा ना कारवाई का? तुम्हाला तुम्ही फोर्स निर्माण केली आहे, तुमच्याकडे आज 100 लोक मिळाली ना, रोज तुमच्याकडे काय असतं की आज अधिकारी नाही आम्हाला पोलीस मिळत नाहीत, आज का मिळाले? ते तुमच्यावर हात उचलला म्हणून का? शहराबद्दल तुम्हाला काहीच आत्मीयता नाही का? हायवेला होणारे अनधिकृत बांधकामं, त्यात असलेले बिल्डर्स हे एका विशिष्ट समूहाचे बिल्डर्स आहेत, ह्याच्यावर कारवाई नाही होते।